दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और नई अपडेट में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम लिमखेड़ा से लेकर गोधरा तक का अपडेट देखने वाले हैं, जो कि पैकेज नंबर 27 और 28 का अपडेट होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये पिपलोट रोड है जिसके पास अंडरपास बनाया जा रहा है, जो कि बन के कम्प्लीट हो चुका है। और अगर इसके आगे आप देखेंगे तो डीबीएम लेयर का आपको अच्छा खासा काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक नदी है जहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, वहीं साइड में अगर आप देखेंगे तो गर्डर भी लॉन्च कर दिया गया है और इस तरफ आपको पिलर्स का काम भी होता हुआ कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, और उसके आगे फिर से आपको डीबीएम का काम होता हुआ कंप्लीट दिखाई देगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो डीबीएम का काम यहाँ पे भी कंप्लीट है, जबकि प्लांटेशन का काम किया जा रहा है और जो एनिमल के लिए अंडरपास बनाए जा रहे हैं उसका भी काम अभी किया जाना बाकी है इस यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वडोदर के पास। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है जिसको काट कर यहाँ पर एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। ये पहाड़ी एरिया है इस वजह से इस छोटे से हिस्से का काम अभी जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अदरवाइज़ उसके आगे अगर आप नज़र डालें तो अगेन आपको डीबीएम का काम होता हुआ दिखाई देगा। जबकि इस एरिया की बात करूँ तो जल्द ही यहाँ पर अर्थवर्क का काम स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं संत रोड के पास। यहाँ पर अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर वायडक्ट का काम किया जा रहा है, क्योंकि इसके ठीक आगे पनामा रिवर आने वाला है। उस ब्रिज का भी काम आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ब्रिज की बात करूँ तो गर्डर लॉन्च इस पर हो चुका है और साथ ही साथ इस पर स्लैब का काम किया जा रहा है।
पनामा रिवर का ये ब्रिज लगभग 1500 मीटर लंबा होने वाला है, जिसके ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो GHB है। और अगर इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा काम देखने को मिल पा रहा होगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोधरा मेडिकल कॉलेज के पास में, जहां अगर आप देखें तो कहीं कहीं आपको अर्थवर्क का काम होता हुआ दिखेगा, तो कहीं आपको DBM का काम होता हुआ दिख रहा होगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोधरा के पास में। यहाँ पर अगर आप देखें तो काली नदी है, जिसके ऊपर मेजर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके पिलर्स का काम कंप्लीट कर लिया गया है। जबकि आगे अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको DBM का काम होता हुआ दिख रहा होगा। आज का ये अपडेट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्द ही हम मिलेंगे अगली अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।